वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा गाई जी आपका स्वागत करता हूँ। तो गाई जी, आज जैसा कि हम देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बातें करने जा रहे हैं हम। तो गाई जी, बहुत सारी जैसा आप देख सकते हैं 1 लाख प्लस वैकेंसीज आई हैं और मतलब लास्ट ईयर भी बड़ी बम्पर वैकेंसी देखने को मिली। तो गाई जी, काफ़ी बच्चे, बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी करने के मूड में हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत होती है कुछ मार्गदर्शक की, कुछ एक्सपर्ट्स की, जो आपको बता सकते हैं कि हम कैसे बेहतर तैयारी करें ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सके। गाइज, तो इसीलिए दोस्तों आज इसी टॉपिक को लेकर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। आपकी बात कराएंगे मैथ के एक्सपर्ट से, आपकी बात कराएंगे साइंस के एक्सपर्ट से। और फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक बार, इससे पहले कि मैं बात शुरू करें, हम लोग की चर्चा शुरू करें, मैं आपको हल्का सा पैटर्न बता देना चाहता हूँ कि इसका पेपर में टोटली 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मैथ्स का 25 क्वेश्चंस होंगे। साइंस यहाँ पे एक बहुत मायने रखने जा रहा है। तो आप देख सकते हो साइंस के टोटली अकेले साइंस के 25 मार्क्स अलॉटेड हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस। और सामान्य ज्ञान, समसामयिकी कह सकते हैं इसे हम, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, ये टोटल कवर करेगा 20 क्वेश्चंस। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूँ, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो गाइस, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग पहली बार कर रहे हैं, तो एक मन में सवाल उठता है कि मतलब हम कैसे तैयारी करें, खासकर जैसे आपका मैथ्स का, साइंस का। तो इसी बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने एक्सपर्ट से। तो गाइस, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आपको, मैं मैथ्स के एक्सपर्ट से बात कराता हूँ कि मतलब कैसे, मतलब इसलिए आप मैथ्स की तैयारी करें। और इसलिए मैं बुलाना चाहूँगा विकास सर को, और आपको थोड़ा सा, इससे पहले कि विकास सर से बात शुरू करूँ, सर स्टूडियो में स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इससे पहले कि सर से बात की जाए, तो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा कि विकास सर मैथ्स से काफ़ी सालों से जुड़े हैं और एक जाने पहचाने, बहुत चिर परिचित नाम है। एक एक्सपर्टाइज रखते, एक महारत कह सकते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं मैथ्स में। तो सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि सर, जैसे ग्रुप डी, जैसे जनरली हम इसको सर, जहाँ तक मुझे मालूम है, इसे हम चतुर्थ श्रेणी भी कहते हैं। तो सर, मैं आपको जानना, मतलब मुझे सर ऐसा लग रहा है, जैसे एक मेरा सामान्य एक जानकारी बस, एक उत्सुकता बस, कि क्या इसकी मैथ्स बाकी एग्जाम के मैथ्स से थोड़ी सरल आती है, या केवल ग्रुप डी नाम ही होता है, मैथ्स का लेवल सेम ही रहता है? सर प्लीज थोड़ा बताएं। या थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सर ने जैसे बताया कि ये फोर्थ ग्रेड पे है रेलवे की वैकेंसी, इसमें जो मैथ्स का अपना पोर्शन है वो बहुत ईजी है ना। बेसिक नॉलेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में कर सकते हैं, तो थोड़ी सी आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, जो हम आपको बताएंगे, है ना। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, तो उसके बल पे भी आप पूरा पेपर कर सकते हो, मैथ्स में पूरे स्कोर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल होते हैं और बहुत ही वन फेज क्वेश्चन, एवर ग्रीन क्वेश्चंस कहेंगे, जिन्हें सदाबहार प्रश्न, जो कि लिमिटेड पैटर्न पे चलते हैं, जिनकी शॉर्ट ट्रिक भी मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत कम समय में आप पूरे पूरे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि एक दो सवाल के मैं आपको डेमो दे सकता हूँ, जो लास्ट ईयर आपके रेलवे में आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। हाँ, चलिए आइए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि 3:5 है, दो संख्याएं आपको 3:5 में दी गई हैं, इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि संख्या 5:6 में परिवर्तित हो जाए, है ना। 2 numbers आर गिवन इन द रेशियो ऑफ 3:5, व्हाट नंबर शुड बी एडेड इन बोथ द नंबर सो दैट द नंबर विल बिकम 5:6। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो है कि मैं एक्स मान के कर लूँ, आप वैसे भी करेंगे तो एक मिनट में हो जाएगा, लेकिन हमें औरों से जल्दी करना है, सेलेक्शन लेना है इसी बार। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एक छोटा सा डेमो दे सकता हूं मैं आपको। जैसे 3 और 5, इनका गैप क्या है 2, 5 और 6, इनका गैप क्या है 1। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर मैं अनुपात से ही कंपैरिजन करा लूं, तो 3 ये संख्या थी, कितनी हो गई है 5, मतलब कितना जोड़ा गया है 2, यहां अनुपात 5 था, कितना हो गया 6, कितना जोड़ा गया है 1। सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों ही संख्याओं में एक संख्या को जोड़ा गया है, मतलब यहाँ पे जो संख्याओं में अनुपात का अंतर है, ये भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आया गैप 2, तो इस 2 के गैप को यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 × 2 = 10,
छः दुनी 12, तो ये हो गया 12, ये हो गया 5 दुनी 10, और ये एक गैप को यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, 3 एक कम 3, एक का गुणा यहाँ पर 5 एक कम 5। तो आपने देखा कि आप इस बात को जानते हैं कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 3:5 है और यहाँ पर 5:6 को हमने 10:12 में लिख दिया है। तो अब हम कह सकते हैं संख्या 3 थी, कितनी हो गई 10, मतलब कितना जोड़ा गया 7, 5 थी 12 हो गई, कितना जोड़ दिया गया 7, है ना। तो दोनों ही संख्याओं में कितना 7 जब हम जोड़ दे रहे हैं तो अनुपात क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। किस अनुपात में हो जा रही है, 5:6 में। तो कितने आसानी से हमने बता दिया। और एक सवाल मैं ले सकता हूं, एक लास्ट सवाल, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, और बेचा कितने पे जाता है, 220 रुपए पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और बेचता कितने पे, 220 रुपए पे। तो अब वह वस्तु को कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। तो लोग इस सवाल को कैसे करते हैं कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेगा, फिर क्रय मूल्य में 30% लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य में बेच देगा। मैंने आपको बताया, या कभी किसी ने क्लास किया होगा तो इस बात को जानता है कि विकास सर परसेंटेज से ही लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारी बात खत्म कर देते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा, जो भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, वो हमेशा कितना होता है, 100%। अगर पहली स्थिति में 10% लाभ पर बेच रहा है तो कितने बेच रहा है, 110% में, और बाद में कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब किस मूल्य पर बेचना है, प्रतिशत में, 130% पर। तो अगर 100% के सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो कितने बेचा जाता है, 110 में, और बेचा कितने में जा रहा है, 220 रुपए में। तो हम कह सकते हैं कि 110% का ही मूल्य कितना है, 220, तो 1% का 2, तो 130% का 13 दुनी 26, 260। तो आपके ग्रुप डी के ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं जिन्हें मैंने खुद बनाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बिल्कुल आरपी सर की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि क्वेश्चंस का स्तर यही होता है। अगर आप पिछले साल के पेपर देखेंगे तो ये नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के सवाल मैंने लिए थे। बहुत बहुत सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब सर एक बात तो दावे से कह सकता हूँ कि मेरी मैथ बहुत ही ख़राब है, पर ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। मतलब यह रियल में बहुत ही आसान ट्रिक रही, और आप इससे बेहतर समझ सकते हैं कि हम मैथ्स को मतलब आराम से समय बचाते हुए, जो सर ने आपको बताया कि लॉन्ग मेथड ना ट्राई करते हुए हम समय बचा सकते थे। जी जी सर, एक बात और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा सर, जैसे अन्य एग्जाम्स में जैसे एलजेब्रा या आपका ये मेंसुरेशन, मतलब ज्योमेट्री के कुछ पोर्शंस रहते हैं, कुछ अरिथमेटिक के पोर्शंस रहते हैं सर, इस अगर बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो आपसे सलाह चाहूँगा कि मैथ्स के कौन से पोर्शन पे सर ज़्यादा फोकस किया जाए। जी सर बिल्कुल, मैथ्स में, मैथ्स का मतलब है कि इस बार आपके जो अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस में भी सामान्य ज्यामिति, सामान्य बीजगणित, सामान्य सांख्यिकी सबको शामिल किया गया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जितना इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक है उतना ही इम्पॉर्टेंट एडवांस है। ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि रेलवे में हमेशा अर्थमेटिक ज़्यादा आते हैं, एडवांस के 2 या 3 4 क्वेश्चन ही मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस बार आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स जैसे शब्द भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़िए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, एक कल्पना बस है कि अर्थमेटिक ज़्यादा आती है, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री केवल आपको प्रमेय याद करने हैं, और पूरी पूरी बेसिक जितने भी थ्योरम है वो आपको याद करने, जो सवाल आएंगे वहाँ से डायरेक्टली सर पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। मतलब आपको ज़्यादा तो मेहनत इसमें करनी है, उसमें भी मेहनत उतनी ही करनी है, लेकिन थोड़ा सा सिंसियरली, है ना, किसी को छोड़ना नहीं है आपको। अगर आपका लक्ष्य पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हैं तो जी, अगर आप चाहते हैं कि चंद्रा के साथ आप जुड़ रहे हैं तो आप क्लास के माध्यम से ही आप पूरे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बस आपको जितना पढ़ाया जाए आप उतना ही पढ़ें, और सीरियसली आगे सिलेक्शन की मतलब एक जिद आपके अंदर होनी चाहिए कि सिलेक्शन इस बार ही लेना है। ठीक है सर, मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा गाइज, सर विकास सर ने आपको बताया, मतलब कहने का अर्थ है अगर हम शॉर्ट में मैटर को कट करें तो अरिथमेटिक इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, पर बाकी सेक्शन भी मायने रखेंगे।
ये रहा, मतलब इस तरीके से आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। और गाइस जैसा आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, हम जनरली हर दफ़ा क्या देखते हैं कि साइंस के क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में ही रहते हैं, खासकर सामान्य ज्ञान में रहते हैं। पर आप देखें, क्योंकि ये रेलवे का एग्ज़ाम भी है और यहाँ हमेशा साइंस हावी रही है, मैं भी इतना जानता हूँ, तो मैं आपको एक बात यहाँ देख रहे हो कि आप केवल अकेले साइंस के ही 25 क्वेश्चंस हैं। तो अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई जब साइंस अकेले 25 क्वेश्चन कवर कर रही है तो आपके अंदर एक उत्सुकता होगी कि भाई साइंस में वो कौन सा पोर्शन है जो मायने रखता है और क्या किस तरह से साइंस तैयार करे। तो इन सब के लिए मैं आपको साइंस के एक्सपर्ट अतुल मिश्रा सर से बात कराऊँगा। और अतुल सर, जैसा मैंने आपको पहले भी, आप में से काफ़ी लोग सर को पहले से ही जानते होंगे, ही इज़ अ बिग नेम एज फार एज साइंस इज कंसर्न। जैसे मतलब वो कहते हैं ना, इज़ अ बिगी ऑफ साइंस, तो साइंस में एक बहुत बड़ा नाम है। तो सर, आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू गाइज। और मैं सर एक बात पूछना चाहूँगा सर, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे हमारी बातें और भी बहुत सारे डेमोज में हुई हैं, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बाकी एग्जाम्स जो भी इंडिया में वनडे एग्जाम्स आते हैं सर, उसमें बायो डोमिनेट करता है, पेपर में बायो का सेक्शन ज़्यादा रहता है, तो सर मुझे सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा, क्या इसमें भी यही हाल रहेगी या कोई चेंज देखने को मिलेगा सर, प्लीज़। ओके सर, सर जैसा कि अभी आपने पूछा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था कि क्या ग्रुप डी में भी बायो का सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी एक विशेष प्रकार की पोस्ट है, एक स्पेसिफिक टाइप की पोस्टें हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन या फिटर इस टाइप की पोस्ट भी आती है। तो ज़रूरी है कि बायोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि इसे स्टडी ऑफ लाइफ या जीवन के अध्ययन से देखा जाता है, तो निश्चित ही यहाँ से बायोलॉजी से सवाल तो आने ही वाले हैं। लेकिन अगर पोस्ट वाइज की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो केमिस्ट्री से आए हुए हैं। और जो केमिस्ट्री के सवाल आए हैं वो बहुत ही सरल टाइप के सवाल आए हैं और टू दी पॉइंट वाले सवाल आए हैं। जैसे कि कुछ मैं आपको डेमो बताऊंगा कुछ सवालों के बारे में, जो कि 2017 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें सवाल पूछा गया था कि देखिएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो कि एकदम टू दी पॉइंट रहता है, कुछ ज़्यादा आपको उसमें खास करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सवाल पूछा था कि भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए आप जानते हैं एक गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी जिसे मिक गैस के नाम से भी जाना जाता है, और ये भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो कि 1984 में एक भोपाल में एक दुर्घटना घटी थी जो कि यूनियन कार्बाइड कंपनी से इस गैस का रिसाव हो जाने के कारण कई हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार से जो केमिस्ट्री में और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, वो केमिस्ट्री में खासकर जिसे केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु मॉडल से या परमाणु की संरचना से भी सवाल खासकर पूछे जाते हैं। और 2017 में यहाँ से सवाल पूछा गया था कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और इसी सवाल को दूसरे टेक्निक से एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था कि सल्फर का पीरियोडिक टेबल में स्थान कौन सा होता है। तो एग्जैक्टली आप जानते हैं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो 16 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तत्व का या जिस एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में वही स्थान कंसीडर किया जाता है। तो अगर सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है तो आवर्त सारणी में उसका स्थान भी 16वां होता है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है उसके अकॉर्डिंग जो तत्वों का मुख्य लक्षण निर्धारित किया गया है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही तत्वों को हम क्लासिफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो खासकर जो बताने का तात्पर्य है यहाँ पर वो ये है कि केवल बायोलॉजी ही नहीं यहाँ पर मायने रखती है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है वो है केमिस्ट्री और फिजिक्स, साथ में स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि बायोलॉजी। सर ने आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि गाइज केमिस्ट्री इस एग्ज़ाम में मायने रखेगी। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जैसे हमने केमिस्ट्री सर थोड़ा बहुत, मेरा जो मतलब केमिस्ट्री के फार्मूले सर मुझे लग रहा है याद ही नहीं होते, तो सर
क्या जैसे बच्चा कोई नया नया बच्चा पढ़ रहा है और कोई अप्रोच आजमाना चाहता है और उसको वो एच ओ टू इस तरह से जो लिखा रहता है उसको समझ में सर नहीं आता, तो क्या कोई ट्रिक है क्या इसे याद करने की? आपके अनुसार कोई ऐसी ट्रिक होती होगी जिसे आप लोग याद करते हो बच्चों को, थोड़ा आप बताना चाहें तो? जी ओके सर, ये बात सही है कि केमिस्ट्री में खासकर जो अभी सवाल को पूछे जाने का क्राइटेरिया है वो पिछले कुछ वर्षों से केमिस्ट्री में IUPAC नाम यानी कि तत्वों के रासायनिक नाम से भी सवाल आ रहे हैं, और ख़ासकर बायोलॉजी में अगर हम केवल ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी यहाँ से भी टू दी पॉइंट के सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे अगर आपने साइटोलॉजी की पढ़ाई की है, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ा है, तो कोशिका विज्ञान में जैसे कि जो सबसे ज़्यादा फेमस टाइप के पॉइंट्स हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता रहती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, और किसी भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम्स के द्वारा बनते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात करने से पहले जैसा कि आपके सिलेबस में पहले से सारी चीज़ों को निर्धारित कर दिया गया है कि आपका जो सिलेबस है केमिस्ट्री का या बायो का, ओवरऑल पूरे साइंस की बात किया जाए तो वो क्लास 10th स्टैंडर्ड से आने वाला है और वो भी CBSE बोर्ड से। तो जनरली आप में एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार लवण से संबंधित जानकारी, जीव विज्ञान में फिजियोलॉजी से, केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पूरा याद कर लें, और पीरियोडिक टेबल जनरली उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कि कैसे तत्वों को क्लासिफाई किया जाता है या तत्वों का कैसे वर्गीकरण किया गया है, उनका वर्गीकरण करने का आधार क्या है, मतलब जैसे कि एटॉमिक रेडियस होता है, परमाणु त्रिज्या क्या है, ये सब सारी चीज़ें, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या होते हैं, तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि परमाणु त्रिज्या की बात करें तो अगर इसको हम त्रिज्या की बात चली है तो लोगों को बिल्कुल भी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल है और इस सर्कल का जो बीचो बीच वाला भाग होता है, जो मध्य बिंदु वाली जो रेखा होती है, इसे आप जानते हैं कि व्यास कहा जाता है, और जब हम इसका आधा कर देते हैं यानी कि केंद्र से लेकर के उसके आधे तक की दूरी को जो बोला जाता है वो यहाँ पर त्रिज्या बोला जाता है। तो यही चीज़ अगर हम एटम से संबंधित बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन के दो एटम हैं, हाइड्रोजन का ये पहला एटम है और ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, तो सवाल पूछा जाता है कि किसी तत्व परमाणु की परमाणु त्रिज्या से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर देखिएगा कि दो सम परमाणु, सम परमाणु का मतलब ये है कि जिस एटम को आपने कंसीडर किया है दोनों वही टाइप के एटम होने चाहिए, तो दो सम परमाणु तत्वों के या परमाणु के केंद्रक के नाभिक के बीच की दूरी के अर्धक को या बीच की दूरी के आधे को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। और जनरली दोस्तों जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में मैंने बोला, आयनन विभव जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो आयनन विभव क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसके दो भाग होते हैं, जो पहला भाग होता है उसे बोला जाता है नाभिक, न्यूक्लियस बोला जाता है, और इसके चारों ओर की ये जो खाली स्पेस होती हैं यहाँ पर कई ऑर्बिट्स में या कई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है इसका पहली कक्षा जिसे K से डिनोट किया जाता है, दूसरी कक्षा जिसे L से डिनोट किया जाता है, तीसरी कक्षा ये M है और चौथी कक्षा N है। तो जनरली होता क्या है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा से, या इसे कोष भी कहा जाता है, किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रिक की बात अगर किया जाए तो जो सवाल पूछा जाएगा इसमें दो तीन टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर इन्होंने आयनन विभव याद कर लिया, स्टूडेंट्स को आयनन विभव याद हो गया,
तो वो परिभाषा, अगर मान लीजिए कि सवाल पूछा गया कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम क्या है, तो हो गया आयनन विभव। अब यहीं पर अगर एक दूसरी चीज कंसीडर कर ली जाए कि आवर्त सारणी में जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव के मान पर क्या परिवर्तन पड़ता है, आयनन विभव लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है कि घटता है, या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या घटता है, अगर इन चीज़ों को इन्होंने कंसिडर कर लिया, याद कर लिया, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और ये बहुत अच्छा करने वाले। सर बहुत अच्छा लगा, रियल में गाइस ये ट्रिक्स हैं जिसको आप अडॉप्ट करके मुझे लग रहा है बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। सर स्टूडियो आने के लिए थैंक यू आपको। तो गाइस हमने क्या देखा कि साइंस पोर्शन, मैथ पोर्शन, रीजनिंग के सर आपको रीजनिंग का अलग से फिर से हम बताएंगे। सर अभी एक्चुअली क्या रीजनिंग वाले सर थोड़ा होली वैकेशन चल रहा है तो वो है नहीं गाइस। तो आप गाइस क्या देख रहे हो कि मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा भी नहीं है कोई बहुत चैलेंजिंग काम है, कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं। बस आपको जैसा बोला देखिए गाइज, हर आदमी थोड़ा गांव से बहुत सारे बच्चे आते हैं, सही पाठ्यक्रम ना मिल पाने से, सही मटेरियल ना मिल पाने से कई बच्चे भटक जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाते। तो गाइज हम आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट बताएंगे, तो ये पूरी क्लासेज आपको दी जाएंगी गाइज। और अगर आप चंद्र इंस्टीट्यूट की क्लासेज आप जैसा कि गाइज आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इन नंबरों पर ट्राई कर सकते हैं 8299310097। एक नंबर मैं आपको और दूंगा तो, और ना आप इस नंबर पे भी अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आप कुछ नंबर्स पे नंबर आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो आपको ये भी नंबर्स उपलब्ध रहेंगे, ये सारे नंबर आपको कॉल्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो आप कॉल कर सकते हैं गाइज, आप मतलब कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेज डेमोज आपको ये उपलब्ध कराए जाएंगे और आप खुद गाइज यहाँ पे इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, नो, यह मार्केटिंग करने का बेचने का तरीका नहीं गाइज, जस्ट आपको एक अवेयरनेस है कि मतलब आप मतलब एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है और किस तरह से सही मार्गदर्शन में आप सफलता पा सकते हैं, बाकी आपके विवेक पर निर्भर करेगा, कोई फोर्स करने जैसा नहीं है। तो गाइज जैसा आपने देखा है पूरा का सेशन रहा और आपको हमने सामान्य जानकारी दी कि RRB ग्रुप डी के बारे में कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों अनुभव का फ़ायदा उठाइए, आप कोचिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेज आपको मिलेगी, होली बाद हम क्लासेज देने जा रहे हैं। तो चलें गाइज आज के सेशन के लिए इतना ही, इसी के साथ मैं RP मिश्रा को गुड बाय कहूँगा। थैंक यू एंड विश यू हैप्पी होली गाइज, थैंक यू।